नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर श्वेता जैन है। हेक्सा हेल्थ डायमेंशन के प्लेटफॉर्म पर इंटेलेक्चुअल हेल्थ के अंतर्गत हम गीता पाठ के उच्चारण को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। भगवान कृष्ण और अर्जुन ने जो संवाद किया है वही भगवद गीता के नाम से आज प्रसिद्ध है। यह संवाद जो इमोशनल अर्जुन है उसको संतुलित बनाने के लिए किया गया, यानी जो अर्जुन बहुत ही इमोशनल हो गया था जब अपने ही सामने अपने ही बंधुओं को देखकर कि मैं कैसे इनके साथ युद्ध लड़ूं, तब यह संवाद किया गया और इस संवाद के माध्यम से उसके हृदय और मस्तिष्क के जो विचारों में असंतुलन हो गया था वह संतुलन बन गया। तो अर्जुन जब संतुलित हुआ, उसका जब माइंड बैलेंस हुआ, तो उसने संग्राम में विजय प्राप्त की। तो यदि हम भी गीता का अध्ययन करें तो निश्चित रूप से हम अपने हृदय और मस्तिष्क के मध्य संतुलन बिठा सकते हैं और इसके द्वारा अपने जीवन में विजय प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मैंने ऐसा देखा है कि कई बार जो लोग चाहते हैं कि हम गीता का पाठ करें किंतु वो ऐसा कर नहीं पाते हैं। उसका कारण होता है कि वो संस्कृत का उच्चारण नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो हिंदी अर्थ तो पढ़ लेते हैं किंतु उन संस्कृत शब्दों के उच्चारण न आने की वजह से वो गीता पाठ नहीं कर पाते हैं। तो इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए हमने वीडियोस तैयार कर रहे हैं जिसमें गीता का शुद्ध उच्चारण करवाया जाएगा। और इस शुद्ध उच्चारण के लिए सबसे पहले हम उच्चारण के नियमों को बताएंगे, उसके बाद एक एक पाठ का एक एक पाठ के श्लोकों का उच्चारण किया जाएगा, एक एक अध्याय के श्लोकों का उच्चारण किया जाएगा और फिर निश्चित रूप से इन वीडियोस को देखकर आप गीता पाठ करने में समर्थ हो जाएंगे।